मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली और पानी के लिए गैर जिम्मेदारों की वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है। कुछ तस्वीरें हमारे पास एक समाज सेवी द्वारा भेजी गई जिसने सभी को हैरान कर दिया। बातें तो बहुत हो गई मामा जी, लेकिन कभी मध्य प्रदेश के धरातल पर उतरकर समस्या तो देख लीजिए। यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ लोग अपनी बेटी का विवाह करने से भी कतराते हैं। यहाँ गर्मी में ग्रामीण एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। यहाँ के भ्रष्ट प्रधान सचिव से लेकर जिले तक के बेईमान अधिकारियों के बंदरबाड़ के चलते एक हैंडपंप तक नहीं है जिससे इंसान अपनी प्यास बुझा सके और आम आदमी को पानी मिल सके। जिस गांव में इंसान जिंदा रहने के लिए दिन भर दाना पानी की जुगाड़ में लगा रहता है, वहां पानी की किल्लत लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। क्या इंसान और क्या जानवर, किसी को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। देख लीजिए मध्य प्रदेश के सीएम साहब, आपके प्रदेश का हाल कितना बुरा हो चुका है। इसको लेकर जिम्मेदार टाल बटोल कर रहे हैं और कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की यह तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि कैसे जल स्रोतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पानी की किल्लत लोग झेल रहे हैं। शहर की जनसंख्या है, सबसे अधिक गाँव है, यहाँ 20 हैंडपंप है, एक भी हैंडपंप चालू नहीं है, सब सूखा है। 3 किलोमीटर दूर है खंडर, सुबह में आते हैं और जब लाइट नहीं रहती ये देखो मोटर बंद पड़ी है तो खींच करके पानी ले जाते, कल से दुर्घटना होने की भी संभावना। अभी एक कुएं में अभी कुछ दिन पहले एक लाश निकाली, ऐसे पानी भरते हुए दुर्घटना घट गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती कराता हूँ, आप जिला परिषद को निर्देश दीजिए। ज्यादातर मेवाड़ा समाज में अन्य समाज के लोग रहते हैं और ये गांव के लोग मेरे पास आए थे, यहाँ के सरपंच भी मेरे पास आए थे, यहाँ के पटेल ने भी मुझसे की मेवाड़ा साहब हमारा गांव का बीड़ा तो उठाओ, क्योंकि देश के राजनेता तो आज आप पूछ के बैठे हो, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। ऐसी भयंकर गर्मी में ना बिजली है ना पानी है, यदि बिजली होती थी बोल सकती, आज जब महिलाएं 3 किलोमीटर दूर तक पानी ला रही है, 3 किलोमीटर दिन भर पानी में होता है, आधे लोग बीमार है, रात रात भर लाइट नहीं रहती। और मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ, जब भी पानी में कुएं से खींच के लाता हूँ पर पानी खींचता नहीं, पानी भी साफ नहीं है, वो गंदा पानी कचरे का और उसमें भी जानवर पड़े हुए हैं, पर क्या करें, उसको भी जैसे कपड़े बिछान के नहीं पी न पाता। तो सर 3 किलोमीटर से ला रही हूँ पानी, गांव में तो पानी है नहीं, कुआ में देखना पड़ता, बरमा है, टंकी है, ये सब खाली पड़ा, में पानी नहीं है, इसलिए यहाँ से ले जाती हूँ। बच्चे भी साथ आते हैं, बच्चों को भी लाना पड़ता है क्योंकि कोई घर रखी या नहीं है। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।